हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश श्रीवास्तव। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कौन कौन से इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स अवेलेबल हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा इशूड हैं, साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के टाइम पे, साथ में कौन सा ITR फॉर्म हमारे लिए है, कौन सा हमारे लिए नहीं है, मीन्स हमारी इनकम के हिसाब से हम हमें कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से ITR फॉर्म्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला आपका फॉर्म है वो है ITR 1। ITR 1 होता है आपका रेसिडेंट इंडियंस के लिए इंडिविजुअल एंड HUF। HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो आपका कर्ता होता है उसके लिए। सोर्स ऑफ इनकम इसमें क्या होता है, सैलरीड पर्सन उनके लिए होता है, साथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आप एडिशन कर सकते हैं। प्लस अगर आपके पास एग्रीकल्चर इनकम है लेकिन 5000 तक है तो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर हाउस प्रॉपर्टी है लेकिन सिंगल है तो ही आप इसमें डाल सकते हैं। अगर दोनों चीज़ इससे ज़्यादा है तो उसके लिए ITR 2 है। सेकेंड फॉर्म आपका ITR 2 है, सेम सोर्स ऑफ इनकम, सैलरीड पर्सन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, साथ में एग्रीकल्चर इनकम एंड हाउस प्रॉपर्टी भी यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ लिमिट नहीं है उसके इनकम पे। एग्रीकल्चर इनकम अगर 5000 ज़्यादा है तो आप इसमें फिलअप करेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर इससे ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पर्सन सेम है, HUF एंड इंडिविजुअल्स, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो लोग इसको भर सकते हैं। थर्ड आपका है ITR 3। ITR 3 जनरली आपके पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म जो होते हैं वो पार्टनर्स भरेंगे। HUF एंड इंडिविजुअल्स भी भर सकते हैं, इंडिविजुअल्स भर सकते हैं, साथ में पार्टनरशिप फॉर्म का जो अपना ITR जाता है वो भरेंगे। सोर्स ऑफ इनकम इसमें बिजनेस इनकम है, साथ में अगर ऐसा कोई पार्टनर है जो सैलरी पाता है साथ में उसकी सैलरी ऐड कर सकता है, साथ में एग्रीकल्चर इनकम ऐड कर सकता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो ऐड कर सकता है, प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी इसमें एडिशन किया जा सकता है। इसमें जनरली जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होती हैं बिजनेस की, या इंडिविजुअल्स अपना कोई बिजनेस करता है उसका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, या बैलेंस शीट प्रिपेयर होती हैं, या ऑडिट होता है, ऑडिट रिपोर्ट वगैरह, वो सब इसमें फिलअप की जाती हैं बिजनेस के संबंध में। अगला आपका फॉर्म है वो है ITR 4। इसमें भी आपका फर्म HUF एंड इंडिविजुअल्स के लिए है। यहाँ भी सोर्स ऑफ इनकम आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपकी प्रोफेशनल इनकम है, जैसे कि अगर आप एडवोकेट हैं, आप डॉक्टर हैं, या अदर कोई भी आप प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो आप ITR 4 फिलअप करेंगे। हाँ, एक और देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे है ओनली फॉर बिजनेस इनकम दैट इज प्रिजम्प्टिव। प्रिजम्प्टिव का मतलब वो क्या हुआ, प्रिजम्प्टिव का मतलब ये हुआ कि अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर जो भी है, अगर आप अकाउंट से बिजनेस का टर्नओवर करते हैं थ्रू अकाउंट, तो उसमें कम से कम मिनिमम जो आपको इनकम दिखानी पड़ेगी वो है 6% ऑफ द टर्नओवर। प्लस अगर आप कैश से ट्रांजेक्शन करते हैं तो मिनिमम 8% ऑफ टर्नओवर आपको इनकम शो करनी पड़ेगी। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में मिनिमम 50% ऑफ द टर्नओवर आपको दिखाना पड़ेगा इनकम। अगर इससे कम होता है तो फिर आप बुक्स ऑफ अकाउंट या बैलेंस शीट वगैरह बनती हैं, ऑडिट होता है, तो फिर ITR 3 भरा जाता है उस केस में, बिजनेस एंड प्रोफेशन के केस में। साथ में एग्रीकल्चर इनकम 5000 तक है तो आप ITR 3 में ऐड कर सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी, सिंगल हाउस प्रॉपर्टी है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा है तो उसके लिए ITR 3 है। साथ में अगर कैपिटल गेन रिसीव होता है आपको, कैपिटल गेन कैसे, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स में, डिबेंचर्स में, ये मार्केट्स में आप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ से आपको कैपिटल गेन अराइज होता है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब अगला ITR आपका है ITR 5। ITR 5 होता है LLPs एंड पार्टनरशिप फर्म के लिए। LLP मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, और जो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं उनके लिए ITR 5 होता है आपका। इसमें सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस इनकम है, साथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, साथ में एग्रीकल्चर इनकम ऐड कर सकते हैं, साथ में हाउस प्रॉपर्टी है, अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम है तो आप ऐड कर सकते हैं, लिमिट नहीं है उसमें। अगला है आपका ITR 6। ITR 6 होता है बेसिकली आपका कंपनीज के लिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस इनकम एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, साथ में एग्रीकल्चर इनकम ऐड कर सकते हैं, और साथ में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अगला आपका ITR फॉर्म है जो लास्ट है वो है ITR 7। ITR 7 है आपका ट्रस्ट के लिए, इनकम का सोर्स सैलरी, साथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इन एडिशन एग्रीकल्चर इनकम एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये बेसिकली आपने देखे, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ITR 1 आपका बेसिकली सैलरीड के लिए है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए ITR 1 है, ITR 2। इसमें ITR 1 में एग्रीकल्चर इनकम 5000 तक, हाउस प्रॉपर्टी सिंगल। ITR 2 में सैलरीड एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बस एग्रीकल्चर इनकम एंड हाउस प्रॉपर्टी से लिमिट हट जाती है। अगर हाउस प्रॉपर्टी 1 से ज़्यादा है या एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज़्यादा है तो आप ITR 2 भरेंगे। 3 आपका पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म, HUF एंड इंडिविजुअल्स के लिए बिजनेस ITR होता है आपका ये।
आईटीआर 4 आपका प्रेजेंट इनकम, बिजनेस इनकम दैट इज प्रेजेंटिव, साथ में इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। आईटीआर 5 आपका एलएलपी एंड पार्टनरशिप फर्म के लिए, आईटीआर 6 आपका कंपनीज के लिए एंड आईटीआर 7 आपका ट्रस्ट के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होती हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के टाइम में, कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो आपके रिक्वायर्ड होते हैं वो है आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स में आपका एफएससी कोड, अकाउंट नंबर कंपलसरी है, साथ में बैंक स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर्म 16, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको आपके एम्प्लॉयर फॉर्म 16 प्रोवाइड करेगा, उसकी उसकी ज़रूरत पड़ती है फॉर्म 16 ए। इनके अगर आपका टीडीएस एम्प्लॉयर के अलावा कोई अदर पर्सन काटता है, अगर आप बिजनेस करते हैं या कोई किसी कमीशन मिलता है उसमें अगर आपका टीडीएस कटता है तो आपको फॉर्म 16 ए इशू करके देगा वो बंदा जो आपका टीडीएस डिडक्ट करता है। आपका थर्ड है कैपिटल गेन स्टेटमेंट, अगर आप शेयर्स म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कैपिटल गेन स्टेटमेंट निकलवाना पड़ेगा जिसकी डिटेल्स भी आपको फिलअप करनी पड़ेगी। अगला है आपका सेल्फ असेसमेंट चालान एंड एडवांस टैक्स चालान, इन द केस अगर आपने एडवांस टैक्स भी कर रखा है तो उसकी डिटेल्स आपको सबमिट करनी पड़ेगी। अगला है आपका स्टेटमेंट रिलेटेड टू होम लोन, इन द केस अगर आपका होम लोन चल रहा है तो होम लोन का स्टेटमेंट जिसमें ये डिफर हो जाता है कि आपने इंटरेस्ट कितना पे किया है पूरे ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में, साथ में आपने प्रिंसिपल कितना पे किया है। अगला आपका है टैक्स सेविंग प्रूफ इन्वेस्टमेंट जो कि आपकी ईपीएफ है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, एलआईसी अगर आपने पे किया है उसकी डिटेल्स, इन्वेस्टमेंट इन ईएलएसएस स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड्स, साथ में पब्लिक प्रोविडेंट फंड वगैरह में आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उसकी डिटेल्स चाहिए होंगी। अगला है आपका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस, अगर आपको बैंक से या पोस्ट ऑफिस से आपके सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट अराइज होता है या एफडी या आरडी पे अगर आपको इंटरेस्ट अराइज होता है तो उसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट बैंक इशू करके देगा या पोस्ट ऑफिस ऑफिस इशू करके देगा, उसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वो अदर सोर्सेज ऑफ इनकम में काउंट होते हैं। अगला है आपका अदर डिडक्शन डिटेल्स दैट इज ATD एंड ATU, अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है तो उसकी डिटेल्स भी आपको फिलअप करनी पड़ेगी। और GST रजिस्टर्ड फर्म्स, अगर आप प्रोप्राइटर हैं किसी फर्म के या आपकी कोई GST रजिस्टर्ड फर्म है तो उसके रिटर्न फाइल करते समय हमें GST का टर्नओवर डालना पड़ता है, पूरे साल का कितना टर्नओवर रहा है जो आपने शो किया है। तो उसके लिए सभी सारे चालान्स की कॉपी, सारे रिटर्न की कॉपी चाहिए होंगी, कितना आपने पूरा टर्नओवर साल में किया है, कितना आपने प्रॉफिट अर्न किया है, उसी से आपकी इनकम अराइज होती है और इसी उसी से उसका आईटीआर जाता है। तो बेसिकली हमने जाना है कौन कौन से आईटीआर फॉर्म अवेलेबल हैं, साथ में कौन कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और साथ में हमने ये भी समझा कि हमारी इनकम के हिसाब से कौन सा आईटीआर हमारे लिए है, कौन सा नहीं है। अभी इस वक्त फाइनेंशियल ईयर 18-19 के जो आईटीआर हैं जो कि इसकी लास्ट डेट आपकी फ़िलअप करने की 31 मार्च थी, वो बढ़ा के 30 जून कर दी गई है। इन द केस अगर किसी का भी अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना रह गया है सो दे कैन कॉन्टैक्ट लॉ सॉल्यूशन एसोसिएट्स ऑन द गिवन नंबर एंड गिवन मेल आईडी एंड उनका आईटीआर फिलअप करके ऑनलाइन ही सबमिट कर दिया जाएगा, उनके सेंड कर दिया जाएगा। हम एक नए वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, थैंक यू।